तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो और डीमन एम्परर केंजी की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो काफ़ी सारे स्कल्स को देखता है और उसे पता चलता है कि ये सभी डीमंस के हैं। वो बोलता है कि आखिर ये सभी मरे हुए क्यों हैं और ये अभी जिंदा क्यों हैं, पर वेजिटो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, और वेजिटो उस स्कल को अपने हाथों से कुचल देता है। इसके बाद वेजिटो उस गड्ढे से बाहर निकलता है और एक बार फिर से केंजी से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। वेजिटो और केंजी दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते और दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। दोनों अपने चारों हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दोनों ही अपने अपोनेंट को हराने के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं। वेजिटो हमेशा की तरह एक बार फिर से केंजी पर अटैक करता है और रिजल्ट भी पहली बारी की तरह ही होता है। केंजी एक बारी फिर से खून से फट पड़ता है। एक बारी फिर से केंजी वेजिटो के अटैक को बेकार कर देता है अपनी ब्लड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके। तभी केंजी एक बारी फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटो चिल्लाता है, तुम्हारी ये हिम्मत। ये बोल के वेजिटो एक बारी फिर से केंजी पे अटैक करता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच उसे मारता है, पर एक बारी फिर से केंजी खून में बदल जाता है। केंजी इसके बाद टेलीपोर्ट करता है और एकदम से ही वेजिटो से काफ़ी दूर पहुँच जाता है। वो अभी भी हंस रहा होता है। केंजी इसके बाद बोलता है, मुझे माफ़ करना मिस्टर, लगता है मैंने एक बार फिर से आपको पूरी तरीके से भिगा दिया है, पर क्योंकि तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहते हो तो मुझे बस तुम्हें तैयार करना था दूसरे स्टेप के लिए। इसके बाद हम वेजिटो को नज़दीक से देखते हैं। जैसा कि केंजी बोल रहा था, हम देखते हैं कि वेजिटो पूरी तरीके से खून से लथपथ होता है। वेजिटो के पूरे शरीर से डीमन ब्लड टपक रहा होता है। वेजिटो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। उसकी हालत उसकी गर्दन कटने के बाद भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही थी। वेजिटो हाँफते हाँफते बोलता है कि दूसरे स्टेप के लिए, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम सिर्फ एक तरीके से लड़ सकते हो, वो तब जबकि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम कितने अकेले हो। इस बात से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं कि यहां तुम्हारे आसपास सिर्फ स्केलेटन्स ही बचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुम लड़ते हो सकता है वो सभी लोग बोर होकर मर गए हों। तभी हम केंजी की आंखों में गुस्सा देखते हैं। ऐसा लगता है कि वेजिटो की बातों से एक बारी फिर से केंजी को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चौंकता है। वेजिटो के शरीर पे केंजी का जो डीमन ब्लड पड़ा था उससे हम देखते हैं कि केंजी एकदम से ही खुद को बना लेता है, और वेजिटो के ऐसा बोलते ही केंजी एकदम से ही वेजिटो के सामने होता है। उसके हाथ में उसका चाकू भी होता है। एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वो वेजिटो की गर्दन को काटने वाला है। वेजिटो एकदम से ही खुद को बचाने के लिए हल्का सा मूव होता है। वेजिटो के हिलने की वजह से केंजी का निशाना चूक जाता है और हम देखते हैं कि वो वेजिटो के चेहरे को काट देता है। एक पल के लिए बैटल फील्ड में शांति हो जाती है। वेजिटो सोचने लग जाता है कि दूर खड़ा केंजी उस पर अटैक करेगा या नहीं, पर वेजिटो से दूर खड़ा केंजी बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है। वेजिटो अपने पास वाले केंजी से बोलता है कि लगता है तुम काफ़ी गुस्सा हो कि तुमने मिस कर दिया, सही कहा ना, पर ये तुम्हारी ब्लड इस्तेमाल करने वाली ट्रिक्स बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इससे तुम बिल्कुल भी तेज़ नहीं होते हो सकता है तुमने एक बारी मेरा सर काट दिया हो, पर ऐसा फिर नहीं होगा। केंजी बोलता है कि मैंने मिस कर दिया, नहीं मिस्टर, मैं जो असल में करना चाहता था मैंने वही किया है, अब मेरा दूसरा स्टेप शुरू होने वाला है। केंजी ये बोल के एकदम से हंसता है। तभी वेजिटो अपने कट में कुछ महसूस करता है। उसके ब्लड के अंदर कुछ हो रहा होता है और ये उसके बू वाले हीलिंग फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा। वेजिटो एकदम से नोटिस करता है कि उसके शरीर के अंदर का खून एकदम से ही उसके शरीर के बाहर आ रहा है। वो बोलता है, क्या? और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के शरीर पे जो केंजी का खून लगा था और जिससे केंजी खुद बना था, वो वेजिटो के चेहरे के कट का इस्तेमाल करके वेजिटो के शरीर के अंदर जाने लग जाते हैं। वेजिटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वेजिटो चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है। वेजिटो एकदम से ही अपने कट से बोलता है कि कट बंद हो जाओ। वेजिटो अपने हीलिंग फैक्टर को तेज करने की कोशिश करता है। वेजिटो आखिरकार अपने कट को बंद करने में कामयाब हो रहा होता है और उसके शरीर के अंदर जा रहा खून एकदम से ही रुक के ज़मीन पे गिरने लग जाता है। पर अब शायद ऐसा करने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, और इसके बाद अब जब हम वेजिटो को देखते हैं तो ये लगता है कि वेजिटो पूरी तरीके से हील हो चुका है। उसका कट हील हो चुका होता है और उसके शरीर के ऊपर से भी सारा खून हट चुका होता है। तभी वेजिटो बोलता है, नहीं, क्योंकि वेजिटो के शरीर के ऊपर लगा हुआ सारा खून अब उसके शरीर के अंदर पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि केंजी ने अब उसकी बॉडी में एंटर कर लिया है। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को मूव करने की कोशिश करता है और बोलता है कि आखिर उसने मेरे साथ ये क्या किया है, मुझे तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा। वेजिटो अपने कट पर हाथ लगाता है और उसका कट अब पूरी तरीके से हील हो चुका है।
तभी केंजी एकदम से ही अपनी जगह पे खड़ा हुआ हंसता है। वो अपने ब्लड से बने हुए दोनों हाथों को अपने अंदर खींचने लग जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि केंजी के दोनों हाथ उसके शरीर में वापस जा चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट केंजी को तो यही लग रहा है कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। केंजी हंसकर बोलता है कि मुझे पता था कि आखिरकार यही होना है, मैं कभी दोस्त बना ही नहीं सकता। सही कहा ना, तुम अब जा सकते हो गॉड किलर, बिल्कुल उन्हीं कीड़ों की तरह जिन्हें तुमने अभी देखा। केंजी इसके बाद वेजिटो के सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है, जैसे कि अब उसे लड़ने की जरूरत ही ना हो। वेजिटो केंजी की बात सुन के चौंकता है और बोलता है कि मैं जा सकता हूँ। वेजिटो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि मैं सिर्फ तब जा सकता हूँ जब तुम मारे जा चुके हो। आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उन कीड़ों से मिला? बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग सही में खराब होता जा रहा है? तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी ये बकवास सुनते सुनते थक चुका हूँ। अगर तुम सीरियसली नहीं लड़ना चाहती तो मैं अभी तुम्हारे को उड़ा के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। वेजिटो को अब ये डीमन एम्परर बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। एकदम से ही वेजिटो अटैक करने के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाता है। वेजिटो एकदम से अपने दोनों हाथों को आगे लाता है और उसमें अटैक बनाने लग जाता है। पर आखिरकार जब वेजिटो अपना अटैक शूट कर रहा होता है, तब उसके हाथ में से कुछ भी नहीं निकलता। उसके हाथ में से एनर्जी का एक पार्टिकल भी बाहर नहीं आता। वेजिटो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो बोलता है, नहीं, उसने अभी जो किया, क्या इसी वजह से? वेजिटो अपने हाथ की तरफ देखता है और बोलता है, बच्चे तुमने ये क्या किया। तभी हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शॉक में होता है। पर उससे भी शॉकिंग बात यह होती है कि उसकी आंखों का रंग बिल्कुल केंजी जैसा हो गया होता है। केंजी वेजिटो को देख के हंसता है और बोलता है कि वैसे तो मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे छोड़ के जाएं, पर ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि तुम्हें दफनाने से पहले तुम्हारी चीखें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरी स्पेशल एबिलिटी में तुम्हारा स्वागत है। मेरी स्पेशल एबिलिटी का नाम है ब्लड डीमन। तभी वेजिटो को समझ में आ जाता है कि वेजिटो किसका सामना कर रहा है। वो पहले भी एक ब्लड डीमन से मिल चुका है। मकोटो यानी कि फोर्थ ऑफ द फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन एबिलिटी का ही इस्तेमाल कर रहा था। केंजी हंसकर बोलता है कि अब तुम उन बेवकूफों के साथ मिलने वाले हो जो कि तुमने जमीन के अंदर देखे थे। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा कंकाल कैसा दिखेगा। मैं कुछ सालों बाद जरूर देखूंगा। केंजी इसके बाद अपना हाथ उठाता है और समझाता है कि उसका मतलब क्या था जब उसने बोला कि वेजिटो जिनसे मिला था। वेजिटो को जल्द ही ये भी पता चलने वाला है कि उसे सभी लोग दफनाए हुए क्यों मिले थे। केंजी के हाथ उठाते ही जमीन पर बिखरा हुआ सैंड जिस पे केंजी का खून लगा था, वो एकदम से ही हिलने लग जाता है। वेजिटो एकदम से ही चिल्लाता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। वेजिटो का शरीर और जमीन पर बिखरा हुआ रेत दोनों में ही केंजी का ब्लड है, जिसकी वजह से वेजिटो का शरीर पूरी तरीके से जम जाता है। रेत एकदम से उठ के वेजिटो को पकड़ने लग जाता है। वेजिटो आखिरकार सैंड से घिर चुका होता है और रेत की वजह से वेजिटो के चारों तरफ एक तरीके का ककून बन जाता है। कुछ दूरी से हम देखते हैं कि सिर्फ वेजिटो का चेहरा ही बाहर दिख रहा होता है। वेजिटो चिल्लाता है, नहीं। केंजी इसके बाद अपनी मुट्ठी बंद करने लग जाता है और बोलता है कि एक और दिन और एक और गुड बाय। केंजी बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने सारे चांस दिए, इतने सारे चांस मुझसे बात करने के लिए। काश तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान होते तो मैं तुम्हें मुझे मारने देता ताकि तुम यहाँ से आगे जा सकते अगले कई सौ साल सिर्फ एक और दोस्त ढूंढने के लिए। शायद ये उतना बुरा भी नहीं होगा। केंजी आखिरकार अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और बोलता है, अलविदा तुम बेवकूफ। तभी हम देखते हैं कि जिस ककून के अंदर वेजिटो था, एकदम से ही वो फट पड़ता है और अंदर से खून ही खून बाहर आ रहा होता है। ये खून है गॉड किलर वेजिटो का, जिसका शरीर दबाव की वजह से फट चुका है और उसका सारा खून बाहर आ चुका है। आखिरकार वेजिटो एक डीमन एम्परर के सामने हार चुका है। हर तरफ वेजिटो के खून की बारिश हो रही होती है और केंजी ने अपने ही खून से एक अम्ब्रेला बना रखा होता है ताकि वो वेजिटो के खून की बारिश से बच सके। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग दूसरी जगह को देखते हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। तभी ज़मीन के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, पर यह हाथ अल्ट्रा वेजिटो का नहीं है। तभी एक शख्स बाहर आता है, इसके बाल स्पाइकी और काले रंग के हैं। धीरे धीरे ये शख्स जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ज़मीन के बाहर आ रहा होता है। बाहर आकर वो बोलता है, केल कलीफ्ला। हम देखते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं, काबा होता है। काबा यानी कि वेजिटो का स्टूडेंट, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम देखते हैं कि काबा का एक हाथ कटा हुआ होता है। क्या इस वक्त हम डीमन रॉयल में हैं या फिर कहीं और पर? इसी के साथ दोस्तों, इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।